हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं, मैंने बताया तो था, मैंने उसे पैसे तो दिए थे, उसने मुझे इनवाइट किया तो था, उसने वर्ड्स याद किए तो थे। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। ये सभी सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं और इन सभी सेंटेंस में जो वर्ड तो आया है ना, या तो जोर दे रहा है, सेंटेंसेस को एम्फेसाइज कर रहा है। जब कोई वर्ड सेंटेंसेस को एम्फेसाइज करे तो उसे हम लोग एम्फेटिक सेंटेंस बोलते हैं। तो एम्फेटिक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में डिड की सहायता से बनाए जाते हैं। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लगाने के बाद लगाएंगे डिड, डिड के बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। अब इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैंने बताया तो था, तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे आई डिड टेल, यानी तो आई डिड इन्फॉर्म। अगर उसे तो आई डिड इन्फॉर्म हिम या हर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे पैसे तो दिए थे, मैंने उसे पैसे दिए तो थे, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई डिड गिव मनी टू हिम, आई डिड गिव मनी टू हिम। ऐसे बोल सकते हैं, आई डिड गिव हिम मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने वर्ड्स याद किए तो थे, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही डिड लर्न द वर्ड्स, ही डिड लर्न द वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे इनवाइट किया तो था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा ही डिड इनवाइट मी, ही डिड इनवाइट मी। डिड में जोर देना है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने गाड़ी ठीक करवाया तो था। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव आपका सेंटेंस है, करवाया तो था, खुद नहीं किया था, करवाया था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई डिड गेट द कार रिपेयर्ड, आई डिड गेट द कार रिपेयर्ड। हे दोस्तों, इसी जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।